निहार कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम नीरज कुशवाहा है। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि अभी तक हमने मल्टीपल लेजर और क्या बोलते हैं कि सिंगल लेजर मल्टीपल लेजर को जाना है, और मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। तो इसके लिए क्या करना है, अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अब सीधे चलते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पर। क्या है अकाउंटिंग वाउचर पर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी टैली ERP9 को ओपन करते हैं। तो जब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में दबाना ना भूलें। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर जैसे कि मैंने ये एक्टिव योर वर्किंग एजुकेशन मोड पर क्लिक कर दिया और ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया। इसके बाद हमें अपनी कंपनी निकाल लेनी है। ये तो आपको बनने ही लगा होने लगा होगा क्योंकि ये मैंने बहुत ही बार करवाया है। ये मैंने अपना कंपनी निकालना है मुझे, निहार का कंप्यूटर मोबाइल्स, निहार का कंप्यूटर शॉप। यहाँ मैं बैक करूँगा कि देखिए अपन लोगों ने क्या समझा है अभी तक, अकाउंट इन्फो भी समझा है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में हम लोग क्या करते हैं अभी तक आप लोगों ने ज़्यादा समझा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इन्वेंट्री पे। तो इन्वेंट्री में क्या होता है, तो जैसे कि इन्वेंट्री इन्फो भी हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग लगा चुके हैं। इसके बाद हम लोगों को आता है अकाउंटिंग वाउचर। क्या आता है अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में क्या होता है हम लोग आज ये जानेंगे। क्योंकि अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग जो है, जो हमारा काम होता है उसकी एंट्रियां हम लोग वाउचर में चढ़ाते हैं। आप भी जानते हो जो हम लोग क्या करते थे पहले, रसीद कट्टा। तो रसीद कट्टा भी क्या है, एक वाउचर है। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखना यहाँ पर क्या आ जाएंगे, वाउचर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, वाउचर आ जाएंगे। और यहाँ पर ये सारे क्या बने हुए, लेजर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, लेजर। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बाउचरों की शॉर्टकट की को जानना है। आखिरकार बाउचरों की शॉर्टकट की क्या होती है ना। तो सबसे पहले जैसे ही हम F4 दबाएंगे, यहाँ पर मैंने क्या दबा दिया, F4। ये क्या दबा दिया, F4। F4 दबाने से आपका क्या आता है, काउंटर वाउचर। क्या आता है, काउंटर वाउचर। तो आप लोगों ने देख लिया कि काउंटर वाउचर कैसे आता है, कैसे आता है, F4 दबाने से काउंटर वाउचर। और अब हम दबाते हैं F5। क्या दबाते हैं, F5। F5 से क्या आ गया आपका, पेमेंट वाउचर निकल आया है ना। अब इसके बाद क्या दबाएंगे हम लोग, F6। जैसे ही F6 दबा देंगे हम, ये देखिए रिसीव्ड वाउचर आ गया। यानी F5 से कौन सा वाउचर आया था, पेमेंट वाउचर। ये देखिए मैंने फिर से F5 दबाया तो कौन सा वाउचर आ गया, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर किस चीज से आता है, F5 से। किससे, F5 से। यानी F5 से कौन सा वाउचर आता है, पेमेंट वाउचर। अब हमें क्या करना है, F6। F6 से कौन सा वाउचर आता है, रिसीव्ड। कौन सा वाउचर आता है, रिसीव्ड। अच्छा तो हम क्या करेंगे, रिसीव्ड वाउचर किस शॉर्टकट की से आता है, F6 से। तो यहाँ पर हमने F6 दबा दिया और ये हमारा क्या आ गया, रिसीव्ड वाउचर आ गया। रिसीव्ड वाउचर किस चीज से आता है, F6 से आता है। F7 दबाएंगे, F7 से क्या होता है, F7 से आता है हमारा जर्नल वाउचर। क्या आता है, जर्नल वाउचर। यहाँ पर जैसे ही हमने F7 दबा दिया तो हमारे सामने जर्नल वाउचर आ गया। तो जब जनरल वाउचर आ गया तो जनरल वाउचर निकालने की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, F7। क्या होती है, F7। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो बगल पर ये आपका क्या दिया होगा, यहाँ पर सारे जो जितने भी आपके वाउचर होते हैं ये सारे एक लाइन से दिए होंगे। तो इसको आप अपनी कॉपी में या किसी नोट पर आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाउचर याद करना बहुत जरूरी है। याद करना है याद कर लीजिए, नहीं करना है आप यहीं से देखकर। जैसे मान लो आपको क्या करना है, काउंटर वाउचर पर जाना है। ये देखिए काउंटर वाउचर पर पहुंच गए। इसके बाद आपको कहां पर जाना है, पेमेंट वाउचर पर। आपने क्लिक किया, पेमेंट वाउचर पर पहुंच गए। इसके बाद आपको क्या करना है, रिसीव्ड वाउचर पर जाना है, तो यहां पे क्लिक कर दिया। आपको जनरल वाउचर पर जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। सेल्स वाउचर पर जाना है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये देखिए ये हमारा सेल्स वाउचर होता है। अब परचेस वाउचर, अब परचेस वाउचर के लिए हमें F9 की शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है, तो F9 दबा दिया, ये आ गया हमारा। यानी इसी प्रकार से जो भी हमारे जितने भी वाउचर होते हैं, यानी कि LERP9 में, तो वो सारे वाउचर हमारे एक साइड दिए गए होते हैं। तो आई होप ये वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे वाउचर की शॉर्टकट की जो है वो आपको समझाई, और इसका मतलब क्या होता है और इसमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखना ना भूलें निहार का कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।